हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने अपना कास्ट वर्किंग एमसीक्यू पार्ट 22 वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 22 तक तो आज कम्प्लीट हो जा रहा है, इसलिए आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक सारे के सारे वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका सब एग्जाम में आने वाला है। तो देर न करते हुए आइए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Any death that occurs due to natural cause within mine boundaries shall be treated as mines में जो mines boundary के नजदीक में अगर किसी भी व्यक्ति का अचानक natural cause के हिसाब से अगर उसका death हो जाता है तो वो कौन सा accident में वो आएगा? आंसर क्या है? आंसर है वो ऑप्शन सी, नॉन माइनिंग एक्सीडेंट में वो आएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर टू, द लैट्रिन एंड यूरिनल शैल बी क्लीन्ड विद इन विद सुइटेबल डिटर्जेंट एंड डिस्पेंसर वंस इन डैश डेज। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब हम माइंस में ओपन कास्ट माइंस में जो यूरिनल और लैट्रिन सब रूम जो होता है, और रूम को वीकली कितने दिन में एक बार साफ किया जाएगा, कितने दिन में एक बार साफ किया जाएगा? उसका आंसर ऑप्शन है 7 days में एक बार उसको साफ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल टच ऑफ एनी केमिकल टू आई व्हाट शुड बी डन। ये नीचे में जो पॉइंट्स दिया गया है इनमें से आप कौन सा पॉइंट को फॉलो कीजिएगा? आंख में किसी भी कारण से कुछ केमिकल घुस जाने से आप क्या कीजिएगा? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ मतलब घुमा के पूछता है कि कोई भी अगर आपका आंख में कीड़ा घुस जाता है, कुछ भी आपका आंख में चला जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर वहां पे ऑप्शन में अगर लिखा रहेगा कि रेफर बाय मेडिकल, तब वो आपको तुरंत तो उसको मेडिकल लेके जाना है, आपको आंख में कुछ करना नहीं क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है। लेकिन इसमें जो ये पूछ रहा है, अचानक अगर आपके आंख में घुस जा रहा है तो वो क्या कीजिएगा? आंसर ऑप्शन बी, आपको ठंडा पानी में उसको क्लीन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, पर्सन एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग और मिलिंग ऑफ वॉशेस शैल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। जो ओपन कास्ट माइंस में जहाँ पर रिसर्च का माइंस रहता है, जहाँ पर मिलिंग कर रहता है, तब वहाँ पर पीरियडिकल एग्जामिनेशन कितने दिन में एक बार होगा, कितना ईयर्स में एक बार होगा? आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 2 years में एक बार वहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट कुड बी मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय। सब कंपनी में एम्प्लॉय को क्यों मोटिवेट किया जाता है, क्या पर्पज से उनको मोटिवेट किया जाता है, उनसे काम कैसे अच्छा से हासिल करें, उनको मोटिवेट करने से अच्छा काम वो लोग करेंगे, तो इसलिए उनको क्या देके मोटिवेट करते हैं? आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन बी, रिवार्डिंग एक्सलेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाई द शेड्यूल्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग आर बी रिप्लेस्ड बाय न्यू मॉडल्स। सभी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में क्या न्यू मॉडल्स किस लिए रिप्लेस किया जाता है? आंसर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी, ए एंड सी, न्यू टाइप मशीनरीज इंट्रोड्यूस्ड और बिगर साइज माइंस इक्विपमेंट इंक्रीज्ड। ये दोनों पॉइंट जो है ए एंड सी को रिप्लेस किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी नया नया टेक्नोलॉजी जो आता है वो सब को भी आपको वहां पर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑल वेल्डिंग मशीन मस्ट बी इक्विप्ड विद। आंसर क्या? ऑप्शन ए, प्रॉपर एयरथिंग के हिसाब से ऑल वेल्डिंग मशीन को रखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, एंटरप्राइज रिसर्च प्लानिंग, एंटरप्राइज का रिसर्च प्लानिंग क्या है? आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव में ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चंस, रजिस्टर ओवर टाइम वेजेस इन मेंटेन इन कौन सा फॉर्म में ओवर टाइम वेजेस का मेंशन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्म में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टेन क्या पूछ रहे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर द डिजाइन मेथड मेथोडोलॉजीज फॉर वेस्ट डंप। वेस्ट डंप का कैसे उसको डिजाइन करें, उसका एसओपी को कैसे फॉलो करें, कैसे उनको अच्छा से मेंटेन करके रखा जाएगा, उसके बारे में पूछ रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर ऑप्शन डी, ए एंड सी। ठीक है, वहां पर उसका जो हाइट जो स्टेज डंप रहता है, स्टेज डंप 25 मीटर ज्यादा आपको नहीं रखना चाहिए, और वहां पर अच्छा सा ग्लैंड ड्रेन बना के रखना चाहिए। ठीक है,
वहां पर, क्योंकि अगर पानी जमा रह जाएगा तो वो आपको वॉशडम जो रहता है उसको वॉश आउट कर देगा, तो वो धंसने के चांसेस रहेगा। इसीलिए ए एंड सी को आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन सी, द माइंस एक्ट 1922। ओके, ये पार्लियामेंट में पास होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डंपिंग सेफ्टी। जब ओपन कास्ट माइंस में डंप किया जाता है, डंपिंग में अच्छा से कैसे सेफ्टी के दौरान से उसको डंपिंग किया जाएगा, सेफ डंप किया जाएगा, उसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज को फॉलो करना चाहिए। आंसर ऑप्शन डी, ए एंड सी। व्हाइल एंटरिंग डंप रेडियस स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोल रहे हैं कि आपको डंप के अंदर में जब आना है 5 किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड होना चाहिए सभी डंपर का, और आपको क्या करना है वहां पर इन डंप करना है, आउट डंप नहीं करना है, क्योंकि वो सारे मेटेरियल डंप के ऊपर में गिरना चाहिए, बाहर गिराने से वहां पर आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस रहता है। इसलिए ये दोनों को आपको फॉलो करना जरूरी है, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट क्या है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इट इज चेकिंग ऑफ टू सेफ्टी इशू रेस सिस्टम एंड थ्रो सिस्टम इन माइंड। सेफ्टी ऑडिट किस लिए कहा जाता है? कि आपका माइंस में जितने भी जो हिसाब से काम होता है उसका जो सिस्टम, वो सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं, जैसे कि सबल ऑपरेटर को उसका एसओपी फॉलो करना चाहिए, एसओपी फॉलो कर रहा है कि नहीं, कहाँ पर वो सेफ कंडीशन में है उसको सेफ कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये सब वहाँ पर देखा जाता है। और उसके जैसे उसके बाद जैसे कि मंथली में एक बार इलेक्ट्रिकल सर्वे किया जाता है, वो हो रहा है कि नहीं, पार्किंग ब्रेक टेस्ट 15 में एक बार किया जाएगा, चेक होने को उसका एडिट ऑडिट होना चाहिए। सब कामों के लिए ऑडिट होना बहुत ही जरूरी है। मेन मोटो क्या होता है? सेफ्टी ऑडिट करने से सब अप टू डेट होता है और कुछ इंसिडेंट नहीं होने का चांसेस रहता है, इसलिए सेफ्टी ऑडिट करना बहुत ही जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रेसिंग एंड बैंडेज आर यूज टू। आंसर के ऑप्शन सी, हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ड्रेसिंग एंड बैंडेज किस लिए किया जाता है? कि आपका ब्लीडिंग को कम करने के लिए, वो इन्फेक्शन को ना होने के लिए आपको ड्रेसिंग और बैंडेज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी इन रेगुलेशन नंबर। जो प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी रेगुलेशन है, वो कितने नंबर में वो आता है? आंसर के ऑप्शन सी, 174 में आता है। क्वेश्चन नंबर 16, मैनपावर रिस्ट्रिक्शन प्लान इन रेगुलेशन नंबर। मैनपावर रिस्ट्रिक्शन का जो प्लान का रेगुलेशन नंबर है वो कितने नंबर पे आता है? आंसर ऑप्शन 184 में वो आता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ फर्स्ट एडर। एक फर्स्ट एडर का ड्यूटी क्या होता है? आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ओके, ए बी सी, ये तीनों को तीनों एक फर्स्ट एडर का ड्यूटी ये सब में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेचर इज प्रोवाइडेड एट रेस्क्यू स्टेशन। रेस्क्यू स्टेशन में कौन सा टाइप का स्ट्रेचर प्रोवाइड किया जाएगा? आंसर ऑप्शन बी, फोल्डिंग टाइप का प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हार्ट वॉर्ड स्ट्रेचर इज रिक्वायर टू शिफ्ट एन इंजर्ड पर्सन इन केस ऑफ। हार्ट स्ट्रेचर कब प्रोवाइड किया जाता है कोई व्यक्ति को, जो वो कौन सा इंजरी होने से? आंसर क्या है? ऑप्शन डी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने से हार्ट स्ट्रेचर का प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, तो पर्पस ऑफ वाटर डेंजर प्लान। वाटर डेंजर का प्लान बनाने का पर्पस क्या होता है? आंसर के ऑप्शन डी, प्रिवेंशन रेगुलेशन इन माइंड्स। आंसर सी इसका आंसर है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।